नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ट्रूकॉलर एप्लीकेशन में वेरीफाइटी कैसे मिलता है और आप लोग इसको कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा ही अकाउंट है और ये हमने स्क्रीनशॉट कर रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमको वेरीफाइटी मिल चुका है और हमने इस प्रोसेस किया था, प्रोसेस करने के बाद मिल चुका है। यहाँ और एक स्क्रीनशॉट है, इसमें भी देख सकते हैं आप वेरीफाइटी हमको मिला हुआ है। तो आप लोग भी कैसे ले सकते हैं आज के इस वीडियो को देख के आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका होने वाला है, ताकि आपको अभी कोई कॉल करे तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए कि इसको कैसे मिला। तो ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कमेंट पढ़ भी सकते हैं, कमेंट कर भी सकते हैं, ठीक है, ताकि विश्वास हो जाए कि ये सही प्रोसेस होने वाला है वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा कि आपको ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो बहुत सारे लोगों का पहले से इंस्टॉल होगा, जिसका इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप उसको आसानी से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी बना हुआ होगा, तो जिनका जिनका अकाउंट बना हुआ है वो थोड़ा वेट कर लीजिए, तब तक हमारे चैनल में जाके और सारे देख लीजिए कि क्या क्या वीडियो हम अपलोड करते हैं। तब तक जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो उसके लिए हम बता देते हैं कि कैसे अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं पहली बार। तो जैसे ही पहली बार ओपन की जगह कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक की जगह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, तो ट्रूकॉलर के सामने वाले जो गोलाकार का सर्कल है उसमें करके वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ हमने टिक लगा दिया है, अब सेट एज डिफॉल्ट में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ कहेगा एंटर फोन नंबर। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, ऊपर इंडिया ऑटोमेटिक ले लिया है, तो आप जिस कंट्री से हैं वो कंट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यह मेरा ऑटोमेटिक ले लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम नंबर दे दिए, उसके बाद अगर मेरा नंबर सही है तो हम कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, नंबर सही है कन्फर्म हम कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ नीचे में एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हम भी इसको पढ़ लिए हैं पहले ही और यहाँ पर हम एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो जो कर दिए हैं उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, हो सकता है कॉल भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तीन ऑप्शन दिखेगा, सबसे नीचे वाले ऑप्शन में टाइप नेम मैनुअली में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, तो हम क्लिक कर देते हैं पहले, तब कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ नाम डाल देना है आपका, जो नाम है उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है, उसके बाद ईमेल आईडी उपलब्ध है तो वहाँ पे आपको डाल देना है। वहाँ फ़ोटो लगाने का अगर ऑप्शन आ रहा है तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं, बाकी आगे भी प्रोसेस है फ़ोटो लगाने का। तो यहाँ पे आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मे बी लेटर में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो अब तो इतना तक तो हो गया है, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ है वो बन गया, ठीक है। अब पहले से भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट बना हुआ होगा, तो चलिए अब जान लेते हैं दोनों आदमी आगे क्या करना। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा थ्री डॉट का ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पेंसिल का आइकन में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो जो जो डिटेल आपके पास उपलब्ध है यहाँ पर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जो जो उपलब्ध है वो आपको अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं, यहाँ पर भर देना है। अबाउट अबाउट जो जो आप भरना चाहे वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भरने के बाद क्या करना होगा कि यहाँ पर जो आपका नाम है वो उसको एक बार देख लेना है, और ये नाम जो है यहाँ पे वो यही वही नाम देना है जो आपका फेसबुक अकाउंट में देना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें फेसबुक अकाउंट से एसोसिएट करना होगा, और बाद में ट्रूकॉलर का जो एम्प्लॉय है, मतलब जो वहाँ आदमी करता है जो वेरीफाई, वो आपका चेक करेगा कि फेसबुक का नाम और ट्रूकॉलर का नाम मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच करेगा तो वह वेरीफाई भेज दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फेसबुक में नाम है वही यहाँ पे ट्रूकॉलर में दे देना है। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फेसबुक में आप क्लिक कीजिएगा
तो अगर आपका फेसबुक एप्लीकेशन है मोबाइल में तो ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर अकाउंट नहीं है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आए, हो सकता है आईडी पासवर्ड मांगे। तो उसके बाद अगर आप एसोसिएट करना चाहे तो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा तो एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में फ़ोटो लगाने का भी ऑप्शन है तो वहाँ पे आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में क्लिक करके सारे डिटेल को एक बार देख के सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव में क्लिक कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा और जो आपका प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो वेरीफाई टिक है वो कितने दिन में मिलता है और हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमको मिला या नहीं, ठीक है। और लास्ट लास्ट में ये जान लेंगे कि हमने इसमें ट्रू कलर ऐप में फेसबुक आईडी को क्यों जोड़ा और इसको बाद में हटा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब सवालों को हम जान लेते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि हमको कितने दिन में मिला। तो जब हमने अप्लाई किया था, प्रोसेस को कंप्लीट करके छोड़ दिया था और हमने चेक ध्यान नहीं दिया था कि वेरीफाई मिला या नहीं, तो हमने 5-6 दिन बाद चेक किया तो ये हमको वेरीफाई टिक मिला हुआ था। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हमको कितने दिन में मिला। तो आप लोग भी चेक करते रहिएगा, चेक करने का प्रोसेस भी हम बता दे रहे हैं आगे, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। जब आपका भी ब्लू टिक दिख जाए तो आप भी आपका भी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ ऊपर में सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे सर्च में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, ठीक है। वहाँ पे आप नंबर डालिएगा तो वो अगर वेरीफाई रहेगा और तो आपको ब्लू टिक दिखा देगा। तो एक दो बार रिफ्रेश भी करके चेक करते रहिएगा, ठीक है। और मोबाइल में जिस मोबाइल से आप चेक कीजिएगा उस मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर सेव नहीं होना चाहिए। सेव रहेगा तो फिर जिस नाम से सेव रहेगा वही नंबर दिखाएगा, वही नाम दिखाएगा, ठीक है। तो सेव नहीं रहना चाहिए, और सेव रहेगा तो फिर जो नाम से सेव रहेगा वही नाम दिखाएगा। तो नंबर को आप डिलीट कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर डाल के सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद जब वेरीफाई दिखेगा तो वेरीफाई दिख जाएगा, वेरीफाई टिक दिखा देगा वेरीफाई जब हो जाएगा। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने इसमें फेसबुक आईडी को क्यों जोड़ा और इसको बाद में हटा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रू कलर का जो ऑफिशियल साइट है उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर आप वेरीफाई टिक लेना चाहते हैं तो आपको फेसबुक आईडी से जोड़कर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जहाँ मतलब आपका फेसबुक आईडी में नाम और ट्रू कलर में जो अभी नाम डाले हैं वो दोनों सेम होगा तो वो आपको मतलब बेच दे देगा। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि गारंटी नहीं है कि हम देंगे, लेकिन मतलब आप प्रोफाइल को जोड़ के अपना प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो हमको मिल चुका है तो उम्मीद है कि आपको भी मिल ही जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी मिल जाए और हम ये जान लेते हैं कि बाद में इसको फेसबुक आईडी को हटा सकते हैं या नहीं। तो हमको भी अभी कुछ ही दिन पहले मिला है वेरीफाई टिक, तो हमने फेसबुक आईडी को हटा दिया है। तो हमने 2-3 दिन में चेक किया तो मेरा ब्लू टिक जो है वो हटा नहीं है। तो कम से कम हम 30 दिन चेक कर लेते हैं हटता है या नहीं, फिर हम आपको कमेंट के जरिए बता देंगे कि फेसबुक आईडी को हटा सकते हैं या नहीं। उसका भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन या कमेंट में मतलब आई बटन में मिल जाएगा कि कैसे हटा सकते हैं। बाकी हटाना है या नहीं ये आपको हम कमेंट में बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम फेसबुक आईडी को हटाए हैं और कम से कम 30 दिन चेक कर लेते हैं वेरीफाई टिक हटता है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इस वीडियो को आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे सेकेंड चैनल को भी चेकआउट कर सकते